प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन गाएं। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर दया का तू है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था, हर बात में वो गुस्सा किया करती थी, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को पूर्ण रूप से उस गुस्से से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हम देख रहे हैं अब्राहम के जीवन से। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। उत्पत्ति 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम की परीक्षा के बारे में। जब इसहाक पैदा हो गया तो अब्राहम इसहाक से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, यानी कि तेरा इकलौता बेटा इसहाक, उसको तू होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम ने परमेश्वर की इस बात को सुना और दूसरे दिन सुबह उठकर होम बलि की सारी सामग्री ली और उस पहाड़ की ओर चल पड़े जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने बताया था कि वहां पर इसहाक को होम बलि करके चढ़ा देना। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर पर कितना विश्वास करता है, कितना विश्वास करता है, कितना भरोसा करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से इस बात को कहा तो अब्राहम ने बिना कुछ कहे, बिना किसी बात के परमेश्वर की इस बात को मान लिया। उसने नहीं कहा कि इतने सालों बाद तो परमेश्वर ने मुझे ये बच्चा दिया है, अब तू क्यों इसे मुझसे वापस ले रहा है, प्रभु तू मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों कर रहा है, आखिर मैंने क्या किया है, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और उसने परमेश्वर की बात को मान लिया और परमेश्वर की इस बात को पूरी करने के लिए चल पड़ा। क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। अब्राहम जानता है कि मेरा परमेश्वर दयालु है। अब्राहम जानता है कि मेरा बुलाने वाला, जिसने मुझे बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। अब्राहम जानता है कि जिसने मेरे लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं इसहाक के द्वारा कि मैं तेरे वंश को तारागण के समान बनाऊंगा, वो विश्वास योग्य है। वो अपने वचन से फिरेगा नहीं, वो अपने वचन को पूरा करेगा। वो जानता है
कि मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने परमेश्वर से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने लगा। जब वे रास्ते में थे तो इसहाक ने अब्राहम से पूछा, पिता हमारे पास सब कुछ सामग्री है, परंतु होम बलि के लिए जो भेड़ है, जो मेमना है, वो कहाँ है? तब अब्राहम ने इसहाक से कहा कि बेटे, मेरा परमेश्वर स्वयं होम बलि की भेड़ की व्यवस्था करेगा। अब्राहम का यहाँ पर हमें विश्वास देखने को मिलता है कि अब्राहम किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर पे करता है। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हर एक कठिन परिस्थिति में अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। और मेरे प्रियो, वो फिर उस पहाड़ पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने होम बलि के लिए कहा था। अब्राहम ने इसहाक को लिटाया और जैसे ही उसे मारने वाला था, ऐसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत ने अब्राहम को रोक दिया और उससे कहा, तू उस बच्चे को हानि मत पहुंचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, इससे मैं जान गया हूं कि तू सबसे अधिक प्रेम मुझसे करता है, परमेश्वर से करता है। अब्राहम ने क्या देखा कि वहीं दूर झाड़ी में एक भेड़ है। अब्राहम उसे लेके आया और उसने उसे होम बलि करके चढ़ाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उस पहाड़ पर उपाय किया। जब अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, तब परमेश्वर ने अब्राहम के लिए सही समय पर उपाय किया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हम भी अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उपाय करने वाला परमेश्वर है, तो वो हमारे लिए उपाय करता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। मेरे प्रियो, जब हम इस बात पे भरोसा करते हैं कि मेरा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है, चंगा करने वाला है, उपाय करने वाला है, तो परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही करता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास किया मेरे परमेश्वर स्वयं पहाड़ पर होम बलि की भेड़ की व्यवस्था करेगा, और ठीक वैसा ही उसके जीवन में हुआ। परमेश्वर ने उसके लिए उस पहाड़ पर होम बलि के लिए एक भेड़ की व्यवस्था की। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी उपाय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी उपाय करेंगे। बस आपको अब्राहम की तरह यह विश्वास करना है, आपको अब्राहम की तरह यीशु पर यह भरोसा रखना है कि आपकी विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। और जब आप ऐसा विश्वास रखेंगे तो प्रभु आपके लिए निश्चय उपाय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, उससे प्रार्थना करते रहें। आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बजाय आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें और भरोसा करते रहें कि वो आपके लिए उपाय करेगा। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए वो आपके लिए उपाय करेगा। और जब आप ऐसा विश्वास रखेंगे तो प्रभु आपके लिए वैसा ही करेगा, क्योंकि बाइबिल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास में बढ़ते चले जाएं, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन, आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे यीशु राजा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश मेरे परमेश्वर पिता हम सब के जीवनों में दिया है प्रभु। हम हृदय से धन्यवाद करते प्रभु, जब ये भाई ये बहन प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करे लॉर्ड फादर, होने दे प्रभु, आज की सुबह में अपनी पवित्र प्रेजेंस से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु, अपनी होली प्रेजेंस से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। होने दे प्रभु, ये फील करे, तेरी उपस्थिति को महसूस करे पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज की सुबह में आप इन भाई बहनों को भर दीजिए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ लॉर्ड फादर की प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर की अपने पवित्र आत्मा से आप इन्हें भर दीजिए परमेश्वर।
परमेश्वर, होने दे प्रभु आज के दिन भर में हर एक काम को करने के लिए मेरे प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की सहायता दे परमेश्वर। होली स्पिरिट आज के दिन भर में हर एक काम को करने के लिए आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु अपने प्रकाश को आप इनके ऊपर चमकाएं, इनके और इनके परिवार के ऊपर अपने तेज को आप चमकाएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड इनका जीवन प्रभु प्रकाशमान होने पाए, हर एक अंधकार की बातें, हर एक दुष्ट की बातें इनके जीवनों से नष्ट होने पाए लॉर्ड फादर। प्रभु हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव बातों से आप इन्हें आजाद करें प्रभु। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया, जिस प्रकार प्रभु हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने अब्राहम के लिए उपाय किया पिता परमेश्वर, उसने विश्वास किया प्रभु कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, उसी प्रकार आज की सुबह में प्रभु तू इस भाई इस बहन के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, तू इनकी घटी कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड होने दे ये अपने जीवन में प्रभु हर एक बात के लिए तुझ पर विश्वास करे प्रभु, और ये मानने पाए प्रभु कि तू इनके लिए हर एक बात पे उपाय करेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में इनके लिए उपाय करेगा, हर एक मार्ग में तू इनकी सहायता करेगा प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने मेमने का इंतजाम उस पर्वत में अब्राहम के लिए किया प्रभु, उसी प्रकार जब ये भाई ये बहन प्रभु जरूरतमंद है प्रभु, इनके जीवन में प्रभु तेरे उपाय की इन्हें जरूरत है प्रभु, आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जिस किसी बात के लिए इन्हें प्रभु जरूरत है प्रभु, आप इनके लिए उपाय करें। यदि इनको अच्छे जॉब की जरूरत है, अच्छा जॉब के लिए आप इनके लिए उपाय करें प्रभु जी। प्रभु एक सही रास्ते में चलने में प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, प्रभु ये अपने आपके उपाय को अपने जीवन में देख सके प्रभु जी। जब घटी कमियों में कर्ज में है पिता, हाउस रेंट पे नहीं किया, बहुत सारा आर्थिक तंगियों में पिता, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जिस प्रकार आपने अब्राहम के लिए किया प्रभु, उसी प्रकार इस भाई इस बहन के लिए भी आप करेंगे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर पिता आप इनके लिए उपाय करें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जिस भी क्षेत्र में इन्हें प्रभु तेरी जरूरत है प्रभु, तेरे लिए प्रभु तुझसे ये आस लगाए हुए हैं, तुझसे प्रार्थना करें परमेश्वर, आप इनके लिए उपाय करें लॉर्ड फादर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि आप इन्हें नामो नाम आशीष करें प्रभु, आज के दिन में इनके हर एक काम सफल होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन ये किसी भी परीक्षा में ना पड़े पिता परमेश्वर, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव बातों से, दुख बीमारी विपत्तियों से, महामारी से आप इन्हें और इनके परिवारों को बचाए। हम दुआ करते प्रभु आज के सुबह में आपकी सुख शांति और आनंद इनके परिवारों में आए, आपकी बरकत इनके परिवारों में आए, मेल मिलाप इनके परिवारों में आए, एकता इनके परिवारों में आए प्रभु। आज की सुबह में जब ये भाई ये बहन मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने निवेदन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करता प्रभु, आपने सुन लिया है इस भाई इस बहन की प्रार्थना को, इनके परिवार की प्रार्थना को प्रभु, ये जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं आपने सुन लिया है, उसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में दे दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, दुआ करती हूँ प्रभु जी जो भाई बहन इस समय हमें कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी सुधि लें, आप उनकी सुधि लें और उनके जीवनों में उपाय करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हाँ मेरे पिता, जिस प्रकार परमेश्वर आपने अब्राहम के लिए किया प्रभु, उसी प्रकार इस भाई इस बहन के लिए भी आप करें परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु ये अब्राहम की नाई विश्वास से तेरे पीछे चलने वाले हो सके, विश्वास कर सके प्रभु, अपने जीवन के हर एक मुश्किल और कठिन समय में, हर एक विपरीत समय में प्रभु ये विश्वास कर सके कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। हाँ मेरे प्रभु यीशु आप इनके लिए उपाय करें प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में मेरे प्रभु, जब ये घरों से बाहर निकलते हैं अपने किसी भी काम को करने के लिए प्रभु, होने दे प्रभु जी इनके घर में प्रभु जी, प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते आप इन्हें अपने सुरक्षा दायरे में रखें प्रभु, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु, हर एक महामारी से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं, अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में आप इन्हें दे प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु विशेषकर प्रभु यदि आज की सुबह में ये अस्वस्थ महसूस कर रहे, बीमार महसूस कर रहे हैं, शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, यीशु के नाम से प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को आप इनके ऊपर रखें प्रभु, इन्हें छू लें और चंगा करें पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, आप भी मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से अपने शरीर से जाने की आज्ञा दें मेरे प्रभु। हम उन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते परमेश्वर जो इनके शरीर
शरीरों में पाई जाती है प्रभु जी, क्योंकि आपने सारी बीमारियों पे, हर एक दर्द में, हर एक परेशानी विपत्तियों में हमें अधिकार दिया है पिता। उसी अधिकार को मैं इस्तेमाल करती हूँ प्रभु जी, और यीशु के नाम से इनकी बीमारियों को, हर एक दर्द को डांट कर आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से प्रभु। इनके ऑर्गन हील हो जाए, इनकी बॉडी हील हो जाए, इनका शरीर चंगा हो जाए, यीशु के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी आज के दिन में इन्होंने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को आप सफल करें। आज के दिन में हर एक काम इनके सफल होने पाए, धन्यवाद करते हैं। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिन भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज्य की उन्नति के लिए अपने दान और दशवांशों को दिया है, यीशु मसीह, उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। उनके खत्तों पर आप आशीष करें, उनके घर पर किसी भी वस्तु की घटी कमी ना होने पाए। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आप उन पर अपरंपार आशीषें दे मेरे पिता। धन्यवाद, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ में रोज प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करेगा। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को हमें व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा और फोन के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रभु आपको आशीष दे।